हेलो एवरीवन, क्या हाल है जी। आई एम सॉरी कि वो गाना ऐसा था जो बंद नहीं कर सकते थे। 8th 9th के पहले प्यार में आतिफ असलम ने हमें संभाला है एंड आई एम हैप्पी। बड़ी अच्छी प्लेलिस्ट लगी है। सो यूट्यूब म्यूजिक का ये बड़ी अच्छी बात है। सो लेट मी टेल यू दिस क्लोजली, आई होप यू कैन सी दिस। सो मेरे को 5.4 लीटर्स पर 100 किलोमीटर की माइलेज मिल रही है, दैट इज अराउंड 19 KMPL। दिस इज BMW 525D 2012 मैन्युफैक्चर्ड, 2019 की रजिस्टर्ड। एंड दिस इज अ वेरी स्पेशल कार, वेरी नॉट जस्ट दिस पर्टिकुलर मॉडल बट 5 सीरीज इटसेल्फ इज अ वेरी स्पेशल कार। सो आज तक 5 सीरीज की कोई वीडियो नहीं बनाई मैंने पास। तो थोड़ी सी स्टोरी सुनाता हूँ। एंड यस, मेरा जो ब्रांड मैनेजर है, मेरा को फाउंडर है कुशल, हर बार बोलता है कि भैया कंटेंट ऐसे बनाओ वैसे बनाओ, एल्गोरिदम ऐसे वीडियो सपोर्ट करता है, मेरे सब्सक्राइबर ज़्यादा और व्यूज़ कम है। बट मेरा एक ही रूल है यार, दिल से जो करेंगे मज़े से करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। बट जो दिल से आ रहा है वही करना है, यही लाइफ का गोल है। थर्ड इनिंग्स है लाइफ की, अब इसको चैन से नहीं काटा तो क्या काटा। अगर एल्गोरिदम की परवाह हमारी तो क्या है यार, जिसको सुनना है वो सुनेंगे, जो साथ में बैठेंगे बैठेंगे। मैं तो ऐसी बात करूँगा क्योंकि साथ में गाड़ी में बैठा है। तो यार ये गाड़ी बहुत स्पेशल है। पहली बात मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ BMW 5 सीरीज के बारे में। इसको 5 सीरीज F10 बोला जाता है। इसमें 520D सबसे कॉमन है, 525D, फिर 530D, तीन वेरिएंट्स आते हैं। 525 की एक कंफ्यूजन है, वो मैं थोड़ी बताता हूँ जो इस डील के थ्रू हमें पता लगी। देन पेट्रोल में 525 आई, 523 आई, 530 आई, वो भी अलग सारे मॉडल्स हैं। और मैं बहुत बार बताया कि पहले गाड़ियाँ 2010 11 12 में ये गाड़ियों में जर्मन कंपनीज बहुत सारे इंजन ऑप्शन देती थी, क्योंकि फॉरेन में बहुत सारे इंजन ऑप्शन आते हैं। बट उनको पता लगा कि इंडिया में जो लोएस्ट इंजन ऑप्शन कंपनी बना रही है, वो भी इंडियन रोड के हिसाब से बहुत पावरफुल है। इट इज़ प्रेटी गुड, मतलब 180 BHP बहुत होती है इंडिया के लिए, और लोगों को माइलेज से ज़्यादा प्यार है। तो ऑब्वियसली ज़्यादा पावर मतलब लेस माइलेज, तो ये हमेशा चैलेंज चलता था। तो इंडियंस ने ज़्यादातर सबसे छोटे इंजन ही खरीदे ओवर द टाइम। 2013-14 के बाद ऑडी ने भी, BMW ने भी, मर्सिडीज ने भी, सब ने अपने इंजन ऑप्शंस बहुत कम कर दिए, लिमिटेड कर दिए, और ज़्यादातर लोअर और एक थोड़ा सा पावरफुल वाला निकालना शुरू कर दिया। प्रिपेयर होके कि ठीक है यार, कि जितना बिक रहा उतना ही बेचो एंड दैट्स ओके। तो ये जर्नी है 5 सीरीज़ की। 5 सीरीज़ F10 इसको बोला जाता है। 2010 में ये शेप आई थी, 2017 तक ये चली है। बीच में 2014 में ये पीछे से X300 डिपर मार रही है। सो 2017 तक ये शेप चली है एंड 2014 में इसका एक फेसलिफ्ट आया था, जिसके अंदर ये वाला मीटर डिजिटल हो गया था, स्क्रीन थोड़ी बड़ी हो गई थी, फ्रंट से बम्पर की लुक थोड़ी चेंज हो गई थी, पीछे से बम्पर की लुक थोड़ी चेंज हो गई थी। 2010 में जो F10 आई थी उसके अंदर स्पोर्ट मोड्स नहीं थे, ड्राइव मोड्स नहीं थे, ये बहुत ही फुद्दू चीज़ें, मैं बताता हूँ क्यों। 2011 के बाद वाली में उन्होंने ड्राइव मोड्स देने शुरू कर दिए। और मेरा अपना एक्सपीरियंस क्या है कि मैंने जब A6 के साथ Q5 ली थी, तो पहली बार जब A6 सेल करी थी, तो मैंने BMW 5 सीरीज F10 ली थी। और सारी दुनिया की तरह, इंडियंस स्पेशली की तरह, मैं भी BMW फैन बॉय था बिना BMW चलाए, क्योंकि BMW ने अपनी ब्रांडिंग थ्रिल ऑफ ड्राइविंग, थ्रिल ऑफ ड्राइविंग, थ्रिल ऑफ ड्राइविंग इतनी ज़्यादा करी हुई है कि हर इंसान BMW को चलाए बिना ही BMW से प्यार हो जाता है। तो अगर आप जो 90% कार जनता इंडिया में ऐसी है जो गाड़ियों के बारे में इतनी नॉलेज रखती है बिना गाड़ियाँ ड्राइव करें, सिर्फ इंटरनेट से पढ़ के, सिर्फ टर्शरी नॉलेज रखती है वो, मैंने मेरा खुद का वर्ड कॉइन करा हुआ है, तो ये थर्ड पार्टी नॉलेज है जो खुद के एक्सपीरियंस से नहीं है। मेरे पास भी पहले ये बहुत सारी थी, बट टर्शरी नॉलेज और थर्ड पार्टी नॉलेज के अलावा जो प्राइमरी फर्स्ट हैंड नॉलेज है जो ड्राइव करके आती है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। सो मैं भी BMW का बहुत तगड़ा फैन बना था। मैंने 5 सीरीज ली, 520D ली, 12,000 किलोमीटर चलाई, वो मेरी वर्जिन राइड्स के वेंचर में पहली कार थी। बिकॉज पहले वर्जिन राइड में रहता था कि मैं, क्योंकि मैंने जब ये ट्रिक सीख ली कि आप एक सस्ती कार लो, अच्छे से मेंटेन करो, अच्छे से चलाओ और उसको महंगा बेच दो या उतने की बेच दो, तो मैंने उसके हिसाब से वर्जिन राइड शुरू कर दिया कि अपनी गाड़ी बेचने के लिए मैंने एक वेंचर सा बना लिया। सो दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ वर्जिन राइड एंड इट स्टार्टेड विद दैट पर्टिकुलर कार। अगर आप आज भी हमारे इंस्टाग्राम पे जाओगे तो सबसे नीचे वही कार का फोटोशूट है। सो दैट्स अ 2011 BMW 5 सीरीज F10, वो चली हुई थी 17,000 किलोमीटर, मैंने चलाई 25-26,000 किलोमीटर, और नहीं आई थिंक 26,000 किलोमीटर पर जाके वो बेची गाड़ी। एंड वो उन्हीं ने ली जिन्होंने मेरी पहले A6 खरीदी थी, बिकॉज उनको A6 इतनी पसंद आई तो उन्होंने 5 सीरीज ली, बाद में A6 वापस मेरे को बेच दी, और 5 सीरीज अभी भी चला रहे हैं वो। बट F10 के एक्सपीरियंस से मैंने ये देखा कि जो हम सुनते हैं समझते हैं हमेशा वो नहीं होता। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई रियलाइज दैट BMW अंडर पावर्ड थी 520D वो वाली, तो मैंने रियलाइज करा 5 सीरीज की बॉडी के हिसाब से एक 2 लीटर डीजल इंजन जो 180 BHP बना रहा है, और उसकी पावर जो लेटर इन द रेव रेंज आती है वो डेली ड्राइविंग के लिए उतनी कंफर्टेबल नहीं है। तो हाईवे पर जब आप कॉर्नर काटते हो या शहर में जब आपको इंस्टेंट पिकअप चाहिए होता है, 520D फील्स अ लॉट अंडर पावर्ड। बट अगर आप ड्रैग रेस लगा रहे हो, बिकॉज मेरे पास Q5 थी जब, 3 लीटर Q5 V6 जिसका था 250 BHP का इंजन था जो ऑसम भागती थी, तो जब मैंने दोनों के बीच में ड्रैग रेस लगाई तो मैं थोड़ा प्यार से, मैं लॉन्च नहीं मारता था बिकॉज मेरे को तो मैं गाड़ी के गियर ना खराब करूं या क्लच ना खराब करूं। बट मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड एंड काइंड ऑफ ब्रदर ऑल्सो, तो उनको 5 सीरीज दी,
तो उसने लॉन्च मारा तेज और वो आगे निकल गया. तो वो लॉन्च बड़ा जबरदस्त था. सो आई रियलाइज कि यार कि BMW को फुल थ्रॉटल चलाओ तो पावर है, सब कुछ है, बट डेली ड्राइविंग में मेरे को उतना मजा नहीं है. देन आई रियलाइज कि बड़ी अंदर घुस के बैठी है. दो अच्छी अच्छी बातें ये थी कि यू फील लाइक यू आर सिटिंग इनसाइड द कार, विजिबिलिटी उतनी नहीं है, स्टीयरिंग इनका थोड़ा टाइट है, हार्ड है, एम्बिएंट लाइटिंग बहुत अच्छी है, नो डाउट. A6 जो आती है, C7 जिसका मैं बहुत फैन हूँ, उससे लग्जरी इसमें थोड़ी सी ज़्यादा फील होती है. वो थोड़ी जेंट्री लग्जरी है. ये भी मतलब इसके अंदर जैसे ऑरेंज का टच है, ऑरेंज एम्बिएंट लाइटिंग है, एंड मतलब आई फील कि लग्जरी में इसके अंदर फीलिंग थोड़ी सी ज़्यादा है उससे. और इसका जो स्टीयरिंग है वो इलेक्ट्रिक है, सो मेमोरी सीट्स के साथ आपका ये स्टीयरिंग ट्यून हो जाता है. तो जब आपका पर्टिकुलर सीट है तो इट्स नॉट जस्ट कि आपकी सीट आगे पीछे हो, जब मेमोरी सीट का बटन दबाते हैं आपका स्टीयरिंग भी एडजस्ट हो जाता है, आगे पीछे हो जाता है, और बड़ा सुंदर लगता है, बड़ा प्यारा लगता है. चेक दिस, अब मैं अंदर बैठा हूँ, स्टीयरिंग आगे नीचे मेरी पोजीशन पे, अब मैंने कार बंद करी, जब मैं बाहर उतर रहा हूँ स्टीयरिंग आगे ऊपर. This feels really good in the real life. जब आप गाड़ी बंद करते हो तो स्टीयरिंग वापस ऊपर हो जाता है, अंदर आके बैठते हो तो स्टीयरिंग वापस आपकी सीट पे आ जाता है. सो दीज थिंग मेक्स यू फील वेरी गुड. एंड यस, F10 BMW 5 सीरीज 2011 वाली या 2010 वाली 6-6.5 लाख से शुरू हो जाती है. यस, इतनी सारी लग्जरी, इतनी सारी बढ़िया चीज़ें 6-6.5 लाख से आपको मिलना शुरू हो जाता है. बट अगर हम अच्छी कार की बात करें, वर्जिन राइड की बात करें, तो 7.5 इज द गुड बॉल पार्क फिगर फॉर अ गुड लेस ड्रिवन कार. मैंने भी वो गाड़ी 8.5 लाख में ली थी आज से 2 साल पहले, 2011 की 17,000 चली हुई कार. सो नाउ कमिंग बैक टू 525D. सो जैसे मैं ड्राइविंग का इसमें बता रहा हूँ, मैंने हमेशा BMW का बताया कि यू फील अ कार लॉट मोर, ये BMW बताता है. आपको बहुत ज़्यादा बेटर चैसी कंट्रोल फील होता है, बॉडी को ज़्यादा अच्छा फील कर पाते हो. तो ये इसका मैं थोड़ा नेगेटिव साइड भी बताता हूँ कि आई फील 3 सीरीज में मैंने काफ़ी नेगेटिव इसके बताए हैं कि BMW के अंदर क्या नेगेटिव चीज़ें वो फील होती हैं, बट 5 सीरीज में फिर भी सारी कवर्ड है. 5 सीरीज तभी मैं बहुत बेटर कॉम्बिनेशन समझता हूँ. लॉट ऑफ पीपल जो मुझे कहते हैं यार कि मेरा BMW का लेने का दिल है, मैं उनको ये कहता हूँ कि 3 सीरीज के बजाय 5 सीरीज ले लो. 5 सीरीज इज अ मच बेटर ऑलराउंड कॉम्बिनेशन, बिकॉज इसमें आपको लग्जरी भी मिलती है, कंफर्ट भी मिलता है. और BMW की अगर आपको फील से प्यार है, रियर व्हील ड्राइव, इधर उधर मैं कट से मांग रहा हूँ तो पीछे से मेरे को फील हो रही है चेसी, जैसे मैंने ऐसे मोड़ी तो ऐसे फील हो रही है. पीछे एक स्कॉर्पियो वाला है, उसको पता नहीं क्यों लग रहा है कि मैं उसे रेस लगा रहा हूँ, जबकि मैं नहीं लगा रहा, तो वो भी बड़ा फास्ट है. जबकि मैं 100-110-20 पे था, बट अब मैं चलो 80-90 पे बिकॉज आपसे बात कर रहा हूँ. तो ये रियर व्हील ड्राइव वाली फीलिंग जो आती है, जिससे आपको पूरी कार आपको पीछे से लगती है फील होती हुई, तो ये चीज़ आपको BMW में मिल जाती है. बट डज नॉट मीन कि आप इससे ज़्यादा रेस चला सकते हो, बिकॉज आई थिंक ऑडीज में भी आपको अगर रेस चलाना अच्छा जाता तो भी आप अच्छी रेस चला लेते हो. तो नंबर वन ये. नंबर टू, जो इसका 530D इंजन है, जो 6 सिलेंडर वाला इंजन है, उसकी पावर बहुत ज़्यादा है. वो बहुत जल्दी पिकअप लेता है, इनिशियली उठता है. एनी 6 सिलेंडर V6 इंजन या इसमें इनलाइन 6 आता है, तो एक ही लाइन में 6 सिलेंडर होते हैं. तो 525D जो 2010 में बनाई थी BMW ने, तो उसमें 520D में 4 सिलेंडर इंजन था जो 180 BHP बनाता था, और टर्बो के कारण उसमें पावर थी और थोड़ी देर बाद उठता था. जो 6 सिलेंडर इंजन था उसके 2 ट्यून थे. तो ट्यूनिंग क्या होती है कि कंपनी एक बार इंजन बना के फिर सेट करती है कि यार इससे हमने कितनी पावर निकालनी है, कि थोड़ा सा ज़्यादा निकाल लें, थोड़ा कम निकाल लें, तो अलग अलग ट्यून्स पे वो इंजन बना देती हैं, जिसको हम स्टेज वन ट्यूनिंग कहते हैं. लोग उसी इंजन से ज़्यादा ट्यून में निकाल, खुद भी ट्यून करके पावर ज़्यादा निकाल लेते हैं. तो हर एक इंजन की कुछ लिमिटेशन होती हैं, थोड़ी सी ज़्यादा पावर, थोड़ी सी कम पावर, कुछ लिमिटेशन होते हैं. बिना कोई फिजिकल पार्ट चेंज करे एक पर्टिकुलर पावर फिगर निकालती है, और बिना वो चेंज करे भी आप थोड़ी सी पावर बढ़ा सकते हो. सो 530D और 525D जो 2010-11 का था, मुझे भूख लग रही है, मेरा यहाँ पे खाना खाने का मन है. एनी हाउ, तो 525D और 530D जो 2010-11 में थी, वो एक ही इंजन था उसमें, 6 सिलेंडर इंजन, और दोनों की इनिशियल पिकअप और टॉर्क, क्योंकि ज़्यादा बड़े सिलेंडर है, ज़्यादा तेल पीती है, ज़्यादा पावर है, तो आपको जो इनिशियल पिकअप उठने में ऐसा लगता है कि आप एक बड़ी सीसी गाड़ी चला रहे हो, तो वो ज़्यादा अच्छे से उठती है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप इनोवा क्रिस्टा चलाओ या पुरानी इनोवा चलाओ, तो इनोवा क्रिस्टा में वो लिफ्ट ऑफ नहीं है जो पुरानी इनोवा में. पुरानी इनोवा अगर आप पहाड़ों पर चलाओगे, आप इतनी ऐसे भी खड़ी होगी, और आप उसको रेस दोगे तो बड़े मजे से उठेगी, क्योंकि वो 2500 cc के अंदर उन्होंने कैसे बताऊँ आपको, मतलब बाद में जो छोटा, मैं शायद गलत एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बट द पॉइंट, क्योंकि वो भी 2500 cc था. हाँ, मैं एग्जाम्पल ये देना चाहता था कि वो 2500 cc का इंजन जो सिर्फ 100 BHP पावर बनाता है, और एक इको स्पोर्ट जो 150 मतलब 1.5 की 100 BHP बनाती थी, या फीगो 1.5 की 100 BHP बनाती थी. द पॉइंट वॉज कि 2.5 इंजन जब उठता था इनिशियली, तो बहुत अच्छा उठता था. क्रिस्टा वॉज अ बैड एग्जाम्पल, आई एम सॉरी. सो ज़्यादा सीसी की इनिशियल पावर आप ज़्यादा अच्छी डिलीवरी दे पाते हो, तो वो इनोवा बेचारी 100-150 के बाद मर जाती थी, बट इनिशियल टॉर्क उसकी बहुत अच्छी थी. सिमिलरली 530D और 525D जो 2010-11 वाली थी, उसमें भी इनिशियल टॉर्क बहुत अच्छी थी. बट बाद में जो हमें इस डील के दौरान पता लगा, सो मेरे कस्टमर अजहर, वेरी हाई प्रोफाइल लॉयर फ्रॉम बैंगलोर, अब अजहर सोचेगा मैंने इसको हाई प्रोफाइल तो बताया नहीं, बट चलो ठीक है, एनी हाउ पता लग जाता. बट द गुड थिंग, वेरी गुड कस्टमर फ्रॉम बैंगलोर, ही हैड अ स्पेसिफिक रिक्वेस्ट यार कि मेरे को 6 सिलेंडर वाली कार ही लेनी है.
तो मैं थोड़ी सी बाहर से भी दिखाता हूँ आपको गाड़ी। सो सिक्स स्प्लेंडर वाली कार में यही था कि उनको फील ज्यादा चाहिए थी, ये वाला लाइक यार दिस गोइंग माय फर्स्ट कार। एंड उन्होंने ऑलरेडी 13-14 साल से एक आई थिंक 17 साल से एक वो वरना के ऊपर वाली कौन सी थी जो शाहरुख खान ने लॉन्च करी थी, सोनाटा नहीं यार आई डोंट नो कौन वो सेडान है, मैं नाम भूल गया। सो दिस इज द जीएलई एनी हाउ अभी वाली आ रही है। सो दिस इज द 525D। सो ये भी एक ऑलराउंड बहुत अच्छी सेडान है और लाइटें बड़ी सुंदर है, डिज़ाइन बड़ा सुंदर है, मुझे इसका डिज़ाइन बड़ा पसंद आता है। मैंने F10 ली थी, मैंने अपने मैक पे इसके अलग से जो फोटोशूट कराया था, सो स्पॉइल्ड ब्रैड करके चंडीगढ़ का बहुत ज़बरदस्त फोटोशूट करता बंदा, वो ऑफिशियल शूट्स भी करता है, मैकलेरन वगैरह के भी उन्होंने करे हुए हैं, उसने करे हुए हैं। तो उसने हेडलाइट्स के अलग अलग शॉट्स दिए थे मुझे इतने ही ज़बरदस्त, आप वर्जिन राइड्स के इंस्टाग्राम पे जाके सबसे नीचे स्क्रॉल करके वो चेक कर सकते हो। तो इसकी लाइट्स, ये ईगल लाइट्स, ये डबल लाइट्स तो अलग, बट ये जो इंडिकेटर की जो अंदर इसके डायोड्स हैं वो जो चलते हैं बड़े मज़ेदार चलते हैं। एंड देन दिस वॉज मतलब इसकी लुक का एक अलग ही मज़ा है, इट इज़ वेरी जेंट्री क्लासी एंड देन मस्कुलर एज वेल, सब कुछ इकट्ठे, जो बहुत बड़ी चीज़ है। इसकी लुक का तो मैं अभी भी दीवाना हूँ, मतलब आई डोंट थिंक कि ऑडी कैन बीट द लुक्स ऑफ दिस कार। एंड इवन आई फील कि मेरी जो पुरानी ऑडी थी जिसमें लद्दाख गया था वो फिर मस्कुलर थी, बट ओवर द टाइम उन्होंने ऑडी को मस्कुलर के बजाय बड़ा टेक्नो बना दिया, जिसके कारण मेरे को पुरानी ऑडियाँ ज़्यादा पसंद है, नई ऑडियो की लुक इतनी पसंद नहीं है। तो बट BMW है जिसने आज भी अपनी मसल अपील रखी हुई है। सो मसल मीन्स पावर, एंड वेन यू आर स्पेंडिंग मोर मनी यू वॉन्ट टू लुक पावरफुल, बट ऑडीज में पावरफुल नहीं लगता, ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। सो कमिंग द रियर सीट, तो मस्कुलर होने के बाद भी, अच्छी ड्राइविंग होने के बाद भी, दिस कार इज कम्फर्टेबल एट ऑल लेवल्स। इसकी सीट्स बहुत अच्छी है, इसमें जरूरत से ज़्यादा लेग रूम नहीं है, बट आपको कभी किसी चीज़ की फील नहीं होती। सो ये रूफ लाइन इसकी निकली है, तो अभी इस कार को हमने रिफर्बिश करना है, मैं बताऊँगा क्या क्या करने वाला है। तो जैसे मैंने बताया, जैसे इसके अंदर ये ऑरेंज टिंच, आई होप यू कैन सी दिस, तो इसके अंदर का जो ऑरेंज एम्बिएंट लाइटिंग का एक कलर है, ये बहुत अच्छी फील देता है। ऑडी में वाइट है, A6 की बाद वाली में A6 में वाइट है, पीछे में वाइट है, तो एक कलर का एक अलग फील आता है। तो इसका रियर भी बड़ा कंफर्टेबल है, ये स्क्रीन इसकी घूमती है आगे पीछे, बट ये एक महंगे वाले पैकेज का ही पार्ट थी। जो कैमरा है वो भी बेसिक वाले में नहीं आता था, इसमें एक ऑप्शन है, बट कैमरा भी बहुत अच्छा है, बट छोटी स्क्रीन में है, 530D में, बड़ी स्क्रीन में था, किसी में पैडल शिफ्टर आता था, किसी में नहीं आता, सब में दो चार चीज़ें अलग अलग थी। बट अदर देन दैट आई जस्ट लव दिस कार बिकॉज इट्स अ परफेक्ट ऑलराउंडर, एंड दिस इज द रीजन वाई ग्लोबली 5 सीरीज, ई क्लास एंड A6 सबसे ज़्यादा बिकती है। एंड कमिंग बैक टू दिस पर्टिकुलर 525D, मैंने बता दिया कि 530D में क्या मज़ा है, बहुत ज़्यादा पावर है, जरूरत से ज़्यादा बहुत तेज उठती है, 500 Nm की टॉर्क है, मज़े से निकलती है, जरूरत से ज़्यादा आई फील फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, बट उसकी फ्यूल एफिशिएंसी कम है, 520D अंडर पावर्ड है। सो 525D वॉज ऑलवेज अ वेरी गुड स्वीट स्पॉट, बट BMW ने रियलाइज करा कि यार कि हमारे को 3 इंजन ऑप्शन देने की जरूरत नहीं है। तो पहले उन्होंने क्या कराया कि 525D को 6 सिलेंडर की बजाय उन्होंने 525D को 2012 के अंदर चेंज कर दिया, वो हमें ये कार लेते वक्त पता लगा, बिकॉज वी वर शॉक्ड कि यार ये गाड़ी है तो 525D, बट ये 2 सिलेंडर, ये 2 लीटर का इंजन क्यों है। सो देन वी केम टू नो कि 525D 2012 में जो आई उसमें उन्होंने क्या करा, 520D के ही इंजन को, पहले 530D का डाउन ट्यून्ड वर्जन था 525D, अब वो 520D का Stage 1 ट्यून या हाई ट्यून्ड वर्जन हो गया। तो इसमें भी सारे फीचर्स हैं, जैसे मैंने बताया बहुत सारी स्टोरेज स्पेसेस हैं, बट आई थिंक आई शुड टेक दैट बैक बिकॉज इसके दरवाजे में बॉटल रखने की जगह नहीं, तभी मेरी बॉटल यहाँ पर रोल रही है। बट द पॉइंट इज, हाँ, बॉटल रखने की प्रॉब्लम बहुत है BMW में, पुरानी मेरी A6 में भी थी, तो मैंने यहाँ पे पीछे एक वो अलग से एक वो लगवाया हुआ था, बट द सनरूफ इज गुड इनफ, एंड यहाँ पर निक नैक्स रखने की बहुत जगह है, बट अगेन बॉटल की प्रॉब्लम है। एंड आई ड्राइव इसका बहुत अच्छा चलता है, तो BMW जैसा बताया मैंने कि आई थिंक X1 वाली में देखा होगा कि इसके अंदर से आप सब कुछ देख सकते हो कि गाड़ी को क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। BMW आपसे सबसे ज़्यादा बातें करती है, बाकी गाड़ियों में क्या कि वो लाइट आ जाएगी, आपको स्कैन करके देखना पड़ेगा कि लाइट किस चीज़ की है। BMW लाइक टॉक्स टू यू इन अ लॉट ऑफ डिफरेंट वेज कि आप ऐसे मत करो वैसे मत करो, मुझे ना ऐसा लग रहा है कि गाड़ी की ना कोई प्रॉब्लम है, इस करके मैं परफॉर्मेंस कम करी हूँ, पर आराम से चलाओ। सो इट टॉक्स लॉट, सो इट्स वेरी टॉकेटिव, द आई ड्राइव इज वेरी टॉकेटिव। बट देन द मेन पॉइंट ऑफ दिस 525D इज कि ये क्योंकि 525D का बेटर ट्यून्ड वर्जन है, तो इसमें आपको एफिशिएंसी भी मिल जाती है, मतलब माइलेज भी अच्छी मिल जाती है और ड्राइवेबिलिटी बहुत अच्छी है। तो ये पहली बार एक 525D है जो मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ एट अ प्रैक्टिकल लेवल आल्सो। एंड देन इस कस्टमर से को लेने के बाद मैंने बोला कि यार ये गाड़ी मेरे को लेने दो, मैं आपको दूसरी 6 सिलेंडर ढूंढ देता हूँ, बट द पॉइंट इज ही वाज आल्सो सोल्ड कि नहीं यार ये सही कार है, और उसका कारण ये है। सो अभी गाड़ी काफी देर से ऑन है, तो 5.34 से 5.5 पे आ गई है, सो आई एम गेटिंग अ माइलेज ऑफ 18.5 km/L, मैं 110-120 पे आ रहा हूँ, ये जितने पे मैं नॉर्मली गाड़ी भगाता हूँ। नॉर्मल हाईवेज पे लोग 90-100 पे होते हैं, मैं उनसे थोड़ा सा फास्ट होता हूँ, जरूरत से ज्यादा फास्ट होने में आप थक जाते हो, एफर्ट ज्यादा होता है, तो आई थिंक 110-120 इज अ गुड क्रूजिंग स्पीड फॉर हाईवेज, एफर्टलेस क्रूजिंग स्पीड, बिकॉज मेरे ग्रारी ये होती है कि यार कि मैं थकूँ ना, दैट्स द होल पॉइंट ऑफ हैविंग अ लग्जरी कार, राइट? अगर आप 120 पर तो वैसे भी नॉर्मल गाड़ी भी चल जाएगी, बट आप थक जाओगे माइंड से।
सो 73.1 इसलिए आ रहा है क्योंकि जब हम टॉल पे रुकते हैं कभी भी थोड़ी सी ब्रेक मारते हैं तो जीरो हो जाती है, तो एवरेज हिल जाती है, बट आई हैव बीन कमिंग एट 100-120 और अब तक अपनी गाड़ी को 100-120 पे, मतलब मैं इसको बोलता हूँ कि मैं भगा के आया हूँ, नॉर्मल नहीं आ रहा हूँ, नॉर्मल में मैं 90 बताऊँ किसी से बातें कर रहा हूँ, बट जब मैं भगा के आ रहा हूँ 100-120 को भगाता कहता हूँ, और जब मैं 160-170 पे आ रहा था गोली की तरह मैं 2.5 घंटे में चंडीगढ़ से दिल्ली पहुंच जाता हूँ, वो अलग होता है, उसमें मेरा पूरा ध्यान वहीं होता है, बट पॉइंट इज कि जब मैं भगा के आ रहा होता हूँ तो मेरे को नॉर्मली ऑडी A6 2 लीटर से 14-15 की माइलेज मिली है, अपनी A6 3 लीटर से 11-12 की माइलेज मिली है, पोर्शा से भी 11-12 की माइलेज मिली है, बट पहली बार मैंने 18-19 का माइलेज में गाड़ी भगाई है, एंड आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट ऑल्सो, और गाड़ी बड़े अच्छे से भाग भी रही थी बिकॉज इस 2 लीटर इंजन की स्टेज 1 ट्यून के कारण BHP पहले से ज्यादा है, सो पहली गाड़ी की 204-205 BHP थी 525D की 600 वाले की, इसकी 210 से ज्यादा है, एंड दैट एक्चुअली फील्स, और जो मेरे को 520D से प्रॉब्लम थी कि वो स्प्रिंगी इन एक्शन नहीं है और जल्दी उठती नहीं है, वो इसमें नहीं है, तो इट इज इट फील्स लाइट फुटेड एंड इट स्प्रिंग्स अप ऑल्सो, तो इफ एनीवन वांट्स टू जस्ट लुक फॉर 5 सीरीज इन द सेकंड हैंड मार्केट एंड देन दे सी ऑल दीज बैजेस, दीज आर द क्वेश्चन यू मस्ट आस्क, कि ये 6 सिलेंडर है 4 सिलेंडर है, उसके RC पे चेक करो डिस्प्लेसमेंट कितनी है, एंड देन यू शुड नो दैट हाउ दैट कार पर्टिकुलर कार ड्राइव्स। इसके बाद मैं अभी खाना खा के एक्सप्रेस वे पे गाड़ी चलाऊंगा एंड बिकॉज आई एम एंटरिंग वाया गुड़गांव एंड देन वील टॉक मोर अबाउट द डील एंड आई शो यू हाउ दिस कार ड्राइव्स इन अ मच बेटर वे, थैंक यू बाय। तो इसकी राइड क्वालिटी फिर अच्छी है, 3 सीरीज तो ठप ठप करके बजती है, चाहे जितना मर्जी मोटर टायर डाल दो, सो तभी अगर आपको BMW लेनी है ऑलवेज रेकमेंड किया 5 सीरीज लो। सो अब कमिंग टू बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो बहुत लोगों को पढ़ने से लगता है बट असल में है नहीं, सो लेट मी टेल यू द गुड पॉइंट्स एंड द बैड पॉइंट्स। सो व्हेन दे से दैट BMW गिव्स यू द मोस्ट फीडबैक एंड जो BMW की फीलिंग है वो किसी और की फीलिंग नहीं है, एंड दे हैव गॉट वन ऑफ द बेस्ट स्टेयरिंग्स और उसका स्टेयरिंग बड़ा जबरदस्त है, चाहे थोड़ा हार्ड है ये है, तो लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली इनका स्टेयरिंग प्रिसाइज नहीं है। प्रिसाइज मतलब जैसे हम होंडा सिटी चलाते हैं या इको स्पोर्ट भी चलाते हैं या कोई भी फोर्ड की गाड़ी भी चलाते हैं, अमेरिकन कार्स का ज़्यादातर स्टेयरिंग अच्छा होता है, अगर हम कुछ अच्छा स्टेयरिंग चलाते हैं होंडा जापानी का, तो अच्छा स्टेयरिंग का मतलब होता है लाइट एंड प्रिसाइज, कि आपका चाहे लाइट है बट आपका प्रिसाइज है, सो इट्स लाइक यू कैन पिन पॉइंट द कार वेयर इट्स गोइंग, वो बहुत मैटर करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छा स्टेयरिंग बोलते हैं मेरी लैंग्वेज में, बट BMW जिसको अच्छा स्टेयरिंग बोलती है कि वो बहुत फील आते हैं, फीडबैक आती है, वो उसकी प्रिसीजन नहीं है, सो इट हैज़ डेडनेस इन द सेंटर, आपको इसका स्टेयरिंग बहुत वेग लगता है, बट द ग्रेट थिंग अबाउट दिस इज कि आपको इसके इससे खड्डे फील होते हैं, सो जो बहुत बड़ी ब्रांडिंग है इनकी BMW की कि देखो थ्रिल ऑफ ड्राइविंग मैक्सिमम फीडबैक ये वगैरह, उसका मतलब क्या है कि आपको सड़क के खड्डे ज़्यादा अच्छे से फील होंगे, देसी भाषा में समझा रहा हूँ, तो वो दुनिया के लिए बहुत अच्छा है बिकॉज वर्ल्ड जहाँ पर सड़कें बिल्कुल साफ हैं वहाँ पर लोग फील करना चाहते हैं खड्डे, उनके लिए खड्डे इतने कम है उनको लगता है हाय वी कुड फील द अंडुलेशन ऑफ द रोड, वी कुड फील वेयर द रोड इज गोइंग, वी कुड फील हाउ द रोड इज कर्विंग, वी कुड फील हाउ द रोड्स स्लोप लाइन इज चेंजिंग। इंडिया में हमारे को खड्डे फील होते हैं और आपके हाथों पर भी होते हैं, एंड बिकॉज हाउ द कार इज ट्यून्ड बिकॉज इट हैज 50-50 वेयर डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि ट्रैक पे ट्रैक रेसिंग में बहुत बड़ी बात है, BMW इसलिए भी फेमस है, वो इसलिए चैसी बहुत अच्छी बनाते हैं, तो आपकी गाड़ी जब आप शार्प चला रहे हो तो फ्रंट और बैक का जो वेट है वो 50-50 डिस्ट्रीब्यूशन होती है, तभी BMW इस बात के लिए फेमस है, तो बट वो चैसी की जो भी इंजीनियरिंग है जो भी है, पॉइंट इज कि आपकी पीठ तक भी खड्डे आ जाते हैं, सो BMW 5 सीरीज की सस्पेंशन अच्छी है, राइड क्वालिटी अच्छी है, इस करके उतना नहीं आते, बट एज कम्पेयर टू ई क्लास और A6 आपको इमीडियटली ज़्यादा अच्छे से वो आते हैं, बट देन ऑन कॉर्नर यू गेट दिस फील फ्रॉम द रियर व्हील जो आपको कहीं और से नहीं मिलती इमीडिएटली, बट साथ में डर भी लगता है कि अगर आपका टायर पीछे से ट्रैक्शन लूज ना कर दे, सो अगर आप गाड़ी रैश चला रहे हो आपको टायर्स की ट्रैक्शन ग्रिप को बहुत ज़्यादा फील करना पड़ता है, तभी आप ज़्यादा से कट काटते हो, बिकॉज इसमें अगर थोड़ा सा रियर व्हील ड्राइव इधर उधर हो जाए या आपकी गाड़ी इधर उधर हो जाए तो शॉर्ट हो जाते हैं, मतलब शॉर्ट सर्किट नहीं कुछ और शॉर्ट हो जाता है, सो द पॉइंट इज कि दीज आर द थिंग्स अबाउट BMW दैट पीपल शुड नो एंड दे डोंट नो अबाउट इट, सो येस इट गिव्स यू अ रॉ ड्राइविंग प्लेजर but that comes at a cost of a little bit of comfort, just know this, 3 series mein it's an extreme thing, 5 series mein it's still an all rounded package, so it's like ki comfort kam matlab aisa nahi ki uncomfortable hai, 3 series to literally uncomfortable hai, aisa nahi ki 5 series uncomfortable hai, aisa nahi ki aapko jhatke feel ho rahe hain, but yes as compared to other cars iski driving fun aur chassis feeling zyada hai, driving fun fir ek सब्जेक्टिव वर्ड है बिकॉज आई स्टिल फील मोर कॉन्फिडेंट इन ड्राइविंग एंड ऑल व्हील ड्राइव ऑडी, फ्रंट व्हील ड्राइव ऑडीज को जब तक डायनामिक सस्पेंशन नहीं करता तब तक ज़्यादा डर लगता था, अभी मैं पोर्शा विच इज़ अ Q7 ड्राइव ट्रेन, तो Q7 क्वाट्रो पोर्शा क्वाट्रो और A6 क्वाट्रो का गियरबॉक्स बहुत जल्दी खराब हो जाता है, इस करके मेरा दिल है लेने का मैं ले नहीं पाता हूँ, सो
Quattro system is still the best for me, and the how the steering is set up in Audis, I still love that in the best way possible. BMWs mein ye challenge hai. But coming back to this, jo 520D ki baat kar raha tha, I think this is the best engine I've ever driven, because 530D is too much of power, 520D is less power, 525D 6-cylinder one is good grunt, good achhi pickup, but at the cost of mileage. I think out of all the engines, ये 525D जो stage one tuned है, या 520D को stage one tuned करा के भी maybe यही figure achieve कर सकते हो. I think this is the best engine combination in E-Class, in A6 2 liter, E-Class 2 liter, and then this. And let me tell you with even greater news कि ये बंद हो गया है. So ये 2 साल ही आया और इसके बाद BMW ने ये भी बंद कर दिया. But मेरे personal experience है, I believe that this is the best of all worlds, because this car is light at its foot, बहुत मजे से चल रही है, underpowered feel नहीं हो रही, मजे से पिकअप मिल रहे जब मेरे को चाहिए, चाहे स्पोर्ट्स गियर डाल के, मतलब चाहे स्पोर्ट्स गियर करना पड़ रहा है या किक डाउन ही मारूं या ना भी मारूं, तो भी आई हैव इनफ पावर. स्पोर्ट्स गियर मैं तभी डालता हूं जब इवेंट, अब जैसे ये भी जितनी अब उठी वो 520D इतनी मजे से नहीं उठती. दिस हैज इनफ पावर एट द लाइट फुट, मतलब थोड़ा सा पैर करने पे भी बहुत अच्छे से उठती है, बहुत रिफाइंड है, आवाज नहीं है, बहुत ही प्यारी है. सो इट शोज दैट दे हैव रीवर्क्ड ऑन दैट इंजन. ये बहुत मैटर करता है कि जब भी कंपनी एक बार इंजन निकालती है, तो आप जब भी गाड़ी का इंजन चूज करते हो, कोई वेरिएंट चूज करते हो, तो हमेशा देखा कि कंपनी ने अभी इसको नया नया निकाला है, फिर पता लगता है अच्छा यार कि नेक्स्ट ईयर उन्होंने ना थोड़ा सा कुछ चेंज करा है. तो आई एम टेलिंग यू, जो नेक्स्ट ईयर थोड़ा सा चेंज करने वाला मॉडल होगा ना, वो हमेशा मच बेटर होगा. सो F10 2010 के बाद 11 में इतने चेंजेस नहीं करे, वो सेम ही थी. 12 में इनका पहला इटरेशन ऑफ चेंज आया, तो 12 के बाद इन्होंने ड्राइव मोड्स डाल दिए, वट एवर, बट दैट मीन्स दे हैव रीवर्क्ड द इंजन. और 12 के बाद वाली और ये वाली स्पेशली, दिस फील्स वेरी 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 रिफाइंड. 520D मुझे उतनी रिफाइंड नहीं लगती, वो शोर करती है, ज़्यादा रेस देनी पड़ती है, बट सम हाउ दिस फील्स मोस्ट रिफाइंड. आई थिंक दिस इज द बेस्ट 5 सीरीज एक्सपीरियंस आई हैव एवर हैड इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग, एंड स्पेशली आई एम मोर फ्लैबरगास्टेड एंड मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय द माइलेज फिगर्स दैट आई एम गेटिंग, बिकॉज ऑब्वियसली आई एम अ मिडिल क्लास गाय, एंड माइलेज डेफिनेटली मैटर्स टू मी. और आप ये देखना यार कि अमीर से अमीर बंदा भी ना इंडिया का, उसके घर पे अगर बहुत ज़बरदस्त लग्जरी कार होगी ना, वो रोज चलाएगा, वो तेल भरा लेगा, पी लेगा. दिस इज हाउ आवर सबकॉन्शियस इज वायर्ड. बट अगर आप उसके घर में एक इजी टू ड्राइविंग हाई माइलेज वाली क्रेटा दे दो, या कोई साथ में कोई नॉर्मल कार दे दो ना, वो साला वो लेके जाने लग जाएगा, वो छोड़ देगा लग्जरी, छोड़ देगा सब कुछ. दिस इज आवर सबकॉन्शियस इज वायर्ड. सो लॉट ऑफ पीपल डू दिस. और ये सारे लोग जिनकी गाड़ियां मैं उठा के लाता हूँ कम चली, उनके सारे घरों पर भी यही हो रहा है. तो वो अपनी ज़्यादा माइलेज वाली, ज़्यादा प्रैक्टिकल, ज़्यादा ईजी टू ड्राइव वाली गाड़ियाँ चलाने लग जाते हैं. ये फन टू ड्राइव और ये लग्जरी कार और ये जो माइलेज इतनी अच्छी नहीं देती, उनको छोड़ देते हैं. सो आई एम टेलिंग यू, इन द लॉन्गर रन दीज थिंग्स डू मैटर. इट मैटर्स कि अगर आप बहुत ज़्यादा कंफर्ट में हो, बहुत ज़्यादा लग्जरी में हो, तो आपकी जो माइलेज आ रही है आपको वो भी बेस्ट चाहिए. इवेंचुअली एवरीवन वांट्स बेस्ट ऑफ ऑल वर्ल्ड्स. तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट आई हैव एवर गॉट, बिकॉज A6 2 लीटर जब मैं 80-90 पे चला रहा था, ओनली देन इट गिव्स 18-19. बट ये 100, 110, 120 पर भी इट इज गिविंग मी 18-19, विच इज अ वेरी गुड फिगर. एंड देन आई हैव दिस फन ऑफ इधर उधर कट काटना. यार इधर उधर कट काटना ना, मेरे को A6 को डायनामिक करके ज़्यादा मज़ा आता है, बट इसका नॉर्मल A6 में ही, नॉर्मल 5 सीरीज में को मज़ा आ जाता है कि आपको पीछे से एक फील आती है इधर उधर जाने की. बट एज लॉन्ग एज आपके टायर्स के पीछे ग्रिप अच्छी हो, चौड़े टायर्स हो, तो ही वो मज़ा. सो यार आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन लॉट. और क्या क्या बताऊँ, क्या क्या चीज़ें इसमें खास है, मतलब जो नॉर्मल, आई थिंक लग्जरी कार्स, बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल लग्जरी कार्स वाली. तो मैं फिर से थोड़ा बता देता हूँ जो लोग वर्जिन राइड्स में पहली बार आ रहे हैं, कि लग्जरी गाड़ियों में आपको 7-8 लाख से जो गाड़ियाँ शुरू हो जाती हैं. तो पहली बार ये बता दूँ, जो आपको हॉरर स्टोरी सुनने को मिलती है यार कि गाड़ियों में खर्चा बहुत ज़्यादा, ऐसे बहुत ज़्यादा, वैसे बहुत ज़्यादा, उसके दो आपको जवाब दे देता हूँ कि आप कोई भी सेकेंड हैंड गाड़ी जो अच्छे से मेंटेन नहीं है और अगले ने ख़राब करके बेच दी, आप चाहे सेंट्रो भी ले लो, चाहे आप कोई भी ले लो, उसके वो आपके को रुला देगी. और अगर आप कोई भी कार जो अच्छे से मेंटेन है, जो सही चल रही है, वो आपको नहीं रुलाएगी, वो आपको अच्छे से कंफर्ट देगी. तो इसमें भी ऑलराउंड सेंसर्स हैं. एंड क्या बात करता हूँ, अब मैं बात करता हूँ ये पर्टिकुलर डील के बारे में. सो डील में क्या हुआ, सो अजहर भाई जिनके लिए कार ली है, तो ये डील बड़ी अनयूजुअल रही है हमारे लिए, सबके लिए. वो भी बीच में फ्रस्ट्रेशन आ गई बहुत सारी, उसके बहुत सारे कारण थे. सो लॉट ऑफ माई कस्टमर डोंट कम एंड दे ट्रस्ट मी एंड दे सेंड द मनी एंड दे लेट मी डू ऑल ऑफ द थिंग्स, गेट द कार, सोर्स द कार, फाइंड द कार, डिस्कस एवरीथिंग, गेट इट चेक्ड, इंस्पेक्टेड, रिफर्बिश इट एंड देन सेंड इट, राइट. तो बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, इट इज़ वेरी कॉमन.